फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में देर रात इनामी बदमाश को पकड़ने को पुलिस ने घेराबंदी की। इस पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इससे एक दरोगा और सिपाही घायल हो गया, जबकि बदमाश के भी गोली लगी है। तीनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया है। घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार मिश्रा भी पहुंचे और उन्होंने पूरी जानकारी ली। चिलसरा रोड पर शमशाबाद एसओ आर के रावत और एसओजी प्रभारी जेपी शर्मा अपराधियों की धरपकड़ की चेकिंग कर रहे थे, तभी बाइक से एक युवक इधर से निकला। पुलिस ने युवक को रोका तो उसने बाइक दौड़ाकर हवाई फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने युवक की घेराबंदी कर दी। सरैया मोड़ के पास दनियापुर जाने वाले मार्ग पर अपने को घिरा देखकर फिर से युवक ने पुलिस पर सीधे फायर झोंक दिया। इसमें दरोगा विक्रम सिंह और सिपाही जयकिशोर घायल हो गए, जबकि पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की। इसमें युवक के पैर में गोली लगी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दरोगा और सिपाही के अलावा घायल को सीएससी शमशाबाद में भर्ती कराया। इस दौरान इलाके में पुलिस ने कई घंटे तक कॉम्बिंग की। पूछताछ में घायल युवक ने अपना नाम ऋषि मिश्रा निवासी देहली खुर्द सिड़पुरा जिला कासगंज बताया। पुलिस को पता लगा कि ऋषि एटा जनपद में आलू भरे ट्रक को लूटने के मामले में वांछित चल रहा है। उस पर एटा पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम भी रखा गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र में आलू से भरा एक ट्रक लूटा गया था। इस मामले में वहीं के थाने में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था। इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे, शेष फरार चल रहे थे। घटना में नामजद ऋषि मिश्रा की तलाश की जा रही थी। उसने चेक इन के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने भी बचाव में फायर किया, इसमें बदमाश भी घायल हो गया है। बदमाश के पास से तमंचा और खोखा के अलावा बाइक बरामद की गई है। आज शाम थाना शमशाबाद क्षेत्र में प्रभारी थाना शमशाबाद और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान यह सूचना मिली कि एक कुख्यात अपराधी जो कि अपनी रिश्तेदारी में बहन के यहाँ पास में आया हुआ था, वो इधर से निकल रहा है। इस पर ये लोग सतर्क हो गए और जब वहाँ से वो निकला तो चिलसरा के पास चेकिंग हो रही थी, वहाँ से ये जो आप घटनास्थल देख रहे हैं यहाँ की ओर वो भागा। एसओजी टीम पास ही थी, उसको इन्होंने कॉल किया और एसओजी प्रभारी और उनकी टीम भी साथ में आई। इन लोगों ने उसका पीछा किया। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद यहाँ जंगल का एरिया था, यहाँ उसने फायर किया और लगातार 2-3 फायर किए। इसके बाद पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई। फायरिंग में हल्की चोटें पुलिस को भी आई और वो बदमाश भी घायल हुआ। घायल होने के बाद तत्काल उसे हॉस्पिटल भेजा गया, उसका उपचार चल रहा है। जानकारी मिली है कि ऋषि मिश्रा नाम का अपराधी है, जो कि डकैती, लूट, फ्रॉड इत्यादि के आधा दर्जन अपराधों में कई जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे हैं। और अभी हाल में लूट की एक घटना कोई एटा में हुई है, जिसमें कि ये वहाँ से फरार अपराधी है। तो इस प्रकार से एक बहुत शातिर अपराधी पुलिस के प्रयासों से पकड़ा गया है और उसका इसमें उपचार चल रहा है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।